कितनी घटिया लोग हो गए। यहाँ तक कि आजकल न्यूज़ आती है कि बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप कर दिया, भाई ने अपनी बहन के साथ रेप कर दिया, मामू चाचा अंकल आस पड़ोस वाली लड़कियों के साथ रेप कर दिया। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जुलेखा वर्ल्ड में। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ख्याल से आप सब लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि आपके माँ बाप आपसे उम्मीद लगाए हैं। तो चलिए आज की व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का टाइम है, मैं ज़्यादा करके जो व्लॉगिंग है सुबह के टाइम में स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह बना के सबको दे देती हूँ, सब चले जाते हैं, बिलाल भी काम पे चले जाते हैं। और अभी मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही थी, रात में चूहा इतना परेशान कर लिया था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ना मालूम है आज मैं आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन वो आप देखो काला काला लग गया। तो आज मैं आपके साथ में एक रेसिपी भी शेयर करूंगी, वो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लहसुन का तो भाव इतना हो गया है कि मेरे घर में बिना लहसुन के खाना बन रहा है, फिर भी इतना अच्छा बन रहा है, मैं क्या बताऊं। मतलब 75 रुपीज़ पाव किलो 75 रुपीज़ का तो मेरी अम्मी लेके नहीं आ रही, क्योंकि ऐसी इतनी महंगाई हो चुकी है और धंधा पानी है नहीं। तो अभी मैं आपके साथ में एक बात भी शेयर करने वाली हूँ दोस्तों, कि हमारे इधर एक एरिया है, मैं वहाँ का नाम नहीं लूँगी और उन लोगों का नाम नहीं लूँगी। तो करीब अभी मुझे कल ही पता चला, तो मैंने सोची क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। पता है दोस्तों, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनके घर में जिनकी फैमिली मेम्बर रिलेटिव्स वाले उनके साथ गलत हरकत करते हैं। सोचो, अगर सोचा जाए तो इंसान जो खून का रिश्ता होता है ना, वही लोग उनके साथ गलत हरकत करते, तो ऐसे में किसके ऊपर भरोसा किया जाए। पता है 7 साल की लड़की का रेप हुआ, और किसने किया? उसके रिलेटिव वाले ने। तो ऐसी बात है कि उसकी मम्मी काम पे जाती थी, तो घर में अपनी लड़की को रख के जाती थी, तो उसकी लड़की स्कूल जाती थी, वहाँ से आती थी। तो एक दिन क्या हुआ, उसके मतलब चचा का लड़का, नाम नहीं लेना चाहिए, उनके रिलेटिव्स, चलो ठीक है रिलेटिव्स में बोल देती हूँ, उनके रिलेटिव्स, उनके घर का रिलेटिव्स यानी सगा होता है ना, चचा का लड़का, अब चाहे वो हिंदू समझ लो आप या मुस्लिम समझ लो, मैं इसमें कोई भी कास्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो उसकी मम्मी काम पे जा रही थी, जब उसकी मम्मी काम पे से आई ना, तो उसकी लड़की रो रही थी। तो बोले क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो बोली कुछ नहीं। तो 2-3 दिन ऐसा ही हो गया। तो मतलब अब एक बच्चे के साथ इतना हरेशमेंट होगा, इतना मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती उसके साथ किया गया, तो वो रोने लगी। तो उसकी मम्मी बोली बता मुझे क्या हुआ, तू ऐसे तो नहीं है, तू हलचल मस्ती खो रहे है, ऐसी है वैसी है, तू इतने दिन से ऐसे क्यों रह रही है? तो उसकी लड़की, 7 साल की लड़की ने बताई कि ये भाई जो है, चचा का लड़का, जैसे अंकल का लड़का, चचा का लड़का ऐसा बोलते हैं ना, अब हिंदुओं में क्या बोलते हैं वो तो मुझे नहीं पता, और मुसलमान में तो चचा का लड़का ही बोलेंगे। तो वो चचा का लड़के ने उसके साथ गलत हरकत किया, यानी उसके साथ रेप किया। सोचो 7 साल की लड़की के साथ, जो कि माँ सोचती थी कि ये मतलब इतना खास है, इतना खून का रिश्ता है, फिर भी ऐसा नहीं करेगा। यार किसके ऊपर भरोसा किया जाए, किस कुछ सोच भी नहीं सकती इंसान के साथ। सोचो कितनी घटिया लोग हो गए। यहाँ तक कि आजकल न्यूज़ आती है कि बाप ने अपनी बेटी के साथ रेप कर दिया, भाई ने अपनी बहन के साथ रेप कर दिया, मामू चाचा अंकल आस पड़ोस वाली लड़कियों के साथ रेप कर दिया। तो मैं तो आप सभी से एक ही बात बोलूँगी कि अपनी लड़कियों को, खास करके लड़कों लोग को भी किसी के ज़रिए मत छोड़ के जाओ, किसी के ऊपर मत छोड़ के जाओ, अगर आपको उनकी ज़िंदगी प्यारी है तो। क्योंकि फिर वो इंसान, वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है। देखो जब हम लोग कभी कभी रोड पे निकलते हैं, ट्रैवल करते हैं बस वगैरह में, तो कोई हम लोग को ना जब ऐसे छूता है ना पीछे से, तो बहुत सारी लड़कियां तो डर जाती है कि अब मैं बोलूँगी तो लोग बोलेंगे अरे ये देखो कितना मचान कर रही है, फलाना ढिकाना, और सामने वाला ये भी बोल देगा कि मैं तेको जानबूझ के छुआ। तो बोलने के लिए कुछ हम लोग के पास रहता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको कोई ऐसे ट्रैवलिंग में छूता है या टच करता है पीछे से, तो आपको बोलना चाहिए देख के ज़रा हाथ लग रहा है, जब आप अकड़ के बोलेंगे ना तो सामने वाला आपको बोलेगा अरे भाई इसके मुंह लगूंगा ना, इसको कुछ छेड़ बढ़ूंगा ना, तो फालतू का मैं मार खा जाऊंगा। तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए। और हाँ, अपने बच्चे लोगों को सिखाओ, अपनी लड़कियों को, अपने लड़के को भी सिखाओ। ज़रूरी नहीं है कि रेप वगैरह, हरेशमेंट वगैरह लड़कियों के साथ ही होता है, लड़कों के साथ भी होता है। एक मिनट रुको, मैं अपने मिट्टू को ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो लड़के लोगों को भी सिखाओ कि अगर आपको कोई गुड टच करे, बैड टच करे, तो उसमें फ़र्क सिखाओ। अगर आपको कोई बैड टच करे ना, तो तुरंत ना बोलो, और अपनी मम्मी को बताओ आके, पेरेंट्स को बताओ आके, अगर बड़ी बहन है तो बड़ी बहन को बताओ आके। तो ऐसे ऐसे कर करके ना इंसान
बहुत गलत काम कर देता है। और लड़कियां बेचारी, लड़के लड़के जो छोटे बच्चे होते हैं वो डर के मारे बोलते नहीं है कि आज मैं बोलूँगा तो मम्मी मेरे को मारेगी या कोई भी कुछ भी होगा, है ना। तो अपने बच्चे लोगों को सिखाओ कि अपने अपने लिए स्टैंड लो, ठीक है। तो यही यार सोच के ही बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है यार। आप भी मुझे बताओ अगर आपके यहाँ पे किसी के साथ ऐसा हुआ है, अगर आप अपने बच्चे लोगों को सिखाओ यार, ऐसा मत करो कि बच्चे लोगों के दिल में इतना डर डाल दो कि बाहर वाले अगर उनके साथ गलत हरकत करते तो वो आपको आके ना बोले। मेरी अम्मी ने हम लोग को इतना बोल के रखे, अगर बाहर वाला कोई कुछ भी बोले, अगर इतनी सी भी बात बोले ना, तो घर में आके बताओ। क्योंकि मेरी अम्मी को पता है अगर हम लोग डर डर के रहेंगे, दिल में घुसेड़ घुसेड़ के सब कुछ रहेंगे, तो इंसान उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उससे निकल नहीं पाता है ना। इस वजह से माँ लोगों को ऐसा रखना चाहिए कि बाहर अगर कोई चॉकलेट वगैरह भी दे तो घर में आके बच्चा बताए कि हाँ ये अंकल ने, ये आंटी ने, ये भाई ने चॉकलेट दिए, पैसा दिए। क्योंकि बच्चे लोगों को ऐसी हरकत करते हैं, पहले ललचाते पहलाते फुसलाते, फिर बाद में उनका काम अपना हरकत करके निपटा देते। तो चलिए, हाँ मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे ना आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो ये रेसिपी का नाम क्या है आप मुझे देख के बताओ। पता नहीं इसको क्या हो गया, गुस्सा आ रहा है, इसको गुस्सा आ रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ली हूँ और इसको छील के मैं नमक डाल के इसको सीटी लगा रही हूँ, 5 सीटी लगाएंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो आटा ली हूँ, फिर इसके अंदर ऐड करी हूँ 1 कटोरी बेसन। बेसन से एक अच्छा सा टेस्ट आएगा, सोंधापन आएगा। और इसके अंदर मैंने अजवाइन को भून के ऐड कर दी हूँ। अब 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड करी हूँ। यहाँ पर मैं ना इसको मिक्स करूँगी, क्यों, क्योंकि हमें इसको मिक्स करना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल, आप चाहे तो सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। यहाँ पर मैंने 6 मिर्ची ले ली हूँ और कम से कम 3 मैंने ली हूँ लहसुन छिले हुए, और यहाँ पर आधा चम्मच जीरा, और यहाँ पर 2 सूखी मिर्ची को मैंने डाल के मस्त में पीस ली हूँ। यहाँ पर देखो आप इस तरीके से मैश कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे आलू है ना इसको हम एकदम मैश कर लेंगे, यानी एकदम पीस के कर लेंगे, एकदम पतला पतला, मतलब अक्खे अक्खे नहीं रखना है, वरना आपकी जो पूड़ी रहेगी ना वो फूट जाएगी और फट जाएगी बीच में से, और वो अच्छे से पकेगी नहीं। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे लोए बना के रख ली हूँ, इसको हम पहले हाथ से गोल करेंगे, फिर इसके अंदर हम 1-1 चम्मच जो हमारा पूरा जो हमने बना के रखा है ना पेस्ट आलू का, उसको भर के अच्छे से ऐसे गोल कर देंगे, ठीक है, देखो इस तरीके से। फिर हम थोड़ा सा आटा लगा के इसको मस्त में गोल गोल बेल लेंगे, गोल गोल अच्छे से बेलना है, फटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत फट जाता है तो इट्स ओके, लेकिन ज़्यादा नहीं फटना चाहिए। ये देखो ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, एकदम छोटा छोटा प्यारा प्यारा हम सारी की सारी जो पूरी है बेल के रख लेंगे। यहाँ पर देखो मैंने कम से कम 15 पूरी बेल के रख ली हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना, जिसमें आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में कम से कम 3 से 4 कटोरी तेल ली हूँ, इसको मैंने मीडियम फ्लेम मतलब मीडियम गर्म कर ली हूँ, एकदम ज़्यादा गर्म नहीं की हूँ। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से तल रही हूँ। एक तरफ का जब आपका हल्का ब्राउन हो जाए तो आपको दूसरी तरफ पलट देना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम का शाउट आउट दे दूँगी। दोस्तों ये पूरी जो है ना आलू की पूरी बहुत ही मज़ेदार बनती है, और इसके अंदर जो हम अजवाइन भून के डालते हैं ना, इसकी वजह से एक इतना अच्छा टेस्ट आता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप इसको ना दही के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। दोस्तों वैसे ठंडी के टाइम पर तो सबको पसंद ही होता है ये खाना, क्योंकि इतना मज़े का बनता है ना, एक तो ठंडी और ऊपर से गर्म गर्म पूरी, आहा क्या मज़े का लगता है खाने में। दोस्तों अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपके साथ शेयर करने। देखो कैसी फूली फूली हमारे जो पूड़ी है ना आलू की बन रही है। दोस्तों यहाँ पर मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपको और बाकी रेसिपीज़ देखना है ना तो आप डिस्क्रिप्शन जो होता है ना वहाँ पे क्लिक करिए, वहाँ पर आपको सारा लाइन से आपको मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा नाम के साथ, तो आपको जो भी रेसिपी चाहिए रहेगा आप वहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैंने बनाई हूँ आलू, जो छिलके वाला आलू होता है ना उसकी सब्ज़ी बनाई हूँ छिलके वाले आलू के साथ। और यहाँ पर देखो मेरी अम्मी आ गए हैं, तल रहे हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये देखो अम्मी ने तल दिए फटाक से। तो आपकी मम्मी भी आते हैं क्या किचन में खाना बनाने के टाइम पे आपकी मदद करने, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये क्या बोलते हैं, भुजिया आलू की, आलू की भुजिया, आलू की भुजिया बनाई हूँ, इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। लाल आलू है छोटा वाला, और ये लाल आलू है, ठीक है। और ये मेरी अम्मी इसके साथ खा रहे हैं, मेरी अम्मी को बहुत ही ज्यादा मजे वाला लग रहा है। मैं आपको कैसा लगा बहुत अच्छा, जरा बताओ इधर।
ये आलू लाल लीला, इसको गांव में बोलते हैं लाल आलू। अच्छा, सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अल्लाह, मेरी अम्मी का चश्मा टूट गया, देखो ना बेचारी। मेरी मम्मा का चश्मा टूट गया, बहुत दुख हो रहा। वो मोमो ने तोड़ दी ना गिरा के। सही में बहुत मजे का ये आलू बना है, सच में मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसे ही खा लूं। सब औरतें दो दो किलो ले रही थी, मेरे दो किलो नहीं लूंगी। फिसलता है आलू पकने के बाद। कहाँ फिसल रहा है? क्या फिसल रहा है? एक बार ले आलू नहीं मिला ना, बीच में तो बड़ा लेते लाल लाल। मतलब वो अजीब सा हो जाता है। कड़क हुआ क्या? पानी डाल के पकाई हूँ मैंने, ऐसे नहीं पकाई हूँ। पानी डाल के पकता है लेकिन वो फिसल रहा था जब भी नहीं ले आया। हाँ, वो एक बार आपने लाया था, मुझे दोबारा लाना नहीं। क्या हुआ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए? सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, 10,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट कर दो। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ खा के तैयार कर चुके हैं, बहुत ही मज़े का बना है ये। देखो मैंने पूरा पीछे ना लिस्ट बना के रखी, क्योंकि मुझे कौन कौन सी रेसिपी अपलोड करना है। तो अगर आपको भी कोई रेसिपी चाहिए ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे हाँ, वो उस जो पहले मैंने बात की हूँ ना, रेप के हिसाब से जो लड़कियों के साथ इतना हरेसमेंट होता है, उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई राय है, अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो कौन सा एक्शन लेना मतलब सही है, ज़रूरी है, तो कमेंट में आप एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और बहुत सारी लड़कियाँ अगर ये वीडियो देख रही है तो कमेंट में आपको, अगर जैसे आप डीमोटिवेट हो जाते हैं अगर आपके साथ कोई गलत हरकत कर रहा है, तो आप 10898 पे कॉल कर सकते हैं, 10-9-8 पे, क्योंकि ये जो होता है ना चाइल्ड अब्यूजमेंट के लिए नंबर है, ठीक है? क्योंकि मुझे ये नंबर कहीं से मालूम पड़ा है, क्योंकि मैं एक एनजीओ में ज्वाइन हो गई हूँ माशाल्लाह, वहाँ पे बहुत सारी नॉलेज हमको पता चलती है। तो आप 10-9-8 पे कॉल करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको रेसिपी पसंद आया होगा, और मेरा जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी हूँ गर्ल्स से रिलेटेड, बॉयज से रिलेटेड, तो वो भी आपको पसंद आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।